बिस्मिल्लाह स्टूडेंट्स, ये सुने, ये है कि काइनेटिक, जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये हमें किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में कैसे प्रिडिक्ट कर सकती है कि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। ये बात समझने के लिए आप लोग पहले ये समझें कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और सेकेंडरी रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होते हैं जो एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के ही हम लोग रेट ला एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के हम रेट ला एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आगे आप लोगों को देता हूँ। दूसरे, आप लोगों के पास सेकेंडरी रिएक्शन है। सेकेंडरी रिएक्शन वो होते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, और उनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के हम रेट ला जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो सेकेंडरी रिएक्शन के बारे में हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। सेकेंडरी रिएक्शन के बारे में दोबारा बताना चाहता हूँ, आप सेकेंडरी रिएक्शन के बारे में कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप लोग रेट ला के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रेट ला क्या है? ये वो फार्मूला है जो रिएक्शन की स्पीड को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिलेट करता है। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ती है, वो रेट ला है। वो एक्सप्रेशन जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को स्पीड ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेट करता है, उसे बोलते हैं रेट ला। सेकेंडरी रिएक्शन वो होते हैं जिनको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के जिनका रेट ला जो है वो फाइंड नहीं किया जा सकता। फिर क्या होता है ऐसे रिएक्शन के लिए, हम क्या करते हैं ऐसे रिएक्शन के लिए? हम सबसे पहले जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट के जरिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। एक्सपेरिमेंट के जरिए रेट इक्वेशन या रेट लॉ फाइंड करते हैं। जब रेट लॉ हम एक्सपेरिमेंट के जरिए फाइंड करते हैं, उसके बाद हम साइंटिस्ट को इनवाइट करते हैं तो वो ये रिएक्शन स्टडी करें और बताएं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में। उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो स्टेप्स देते हैं कि ये रिएक्शन इन स्टेप्स में हुआ है, वो मैकेनिज्म देते हैं। उन मैकेनिज्म के ऊपर, उन स्टेप्स के ऊपर हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं, उससे हम एक रेट ला निकालते हैं। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने से उन स्टेप्स के ऊपर जो रेट ला निकले वो एक्सपेरिमेंटल रेट ला की तरह हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो ये मैकेनिज्म या जो स्टेप्स दिए हैं ये एक्सेप्टेबल है। अगर वो उनसे डिफरेंट हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। कभी कभार ये होता है कि एक्सपेरिमेंट से जो रेट ला निकला है मैकेनिज्म से भी वही वही रेट ला निकलता है, लेकिन वो रेट ला गलत हो जाता है। उस तरीके में कुछ और एडवांस टेक्निक इस्तेमाल करते हैं रेट ला को करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उस रिएक्शन की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट ला निकालते हैं। एक्सपेरिमेंटल रेट ला निकालने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म देते हैं मुख्तलिफ साइंटिस्ट, उन मैकेनिज्म में मुख्तलिफ स्टेप्स बताते हैं। फिर उन स्टेप्स पे, उन स्टेप्स की हेल्प से स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं स्टेप्स पे और रेट ला निकालते हैं उन स्टेप्स को यूज करके। अगर उस मैकेनिज्म से निकलने वाला रेट ला एक्सपेरिमेंटल रेट ला जैसा हो तो हम कहते हैं ये मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल है। ये है, तो यानी पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट करते हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद एक्सपेरिमेंटल रेट ला निकालते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, साइंटिस्ट मैकेनिज्म देते हैं। चौथा स्टेप क्या है, उस मैकेनिज्म के ऊपर स्टेडी स्टेट थ्योरी लगाते हैं। स्टेडी स्टेट SST, स्टेडी स्टेट थ्योरी लगाते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मिशन लगाते हैं इज अप्लाइड ऑन द स्टेप्स एंड रेट लॉ इज कैलकुलेटेड डिराइव। पांचवा स्टेप,
अगर एक्सपेरिमेंटल रेट ला जो कि हमने दूसरे स्टेप में निकाला था इज सेम एज थ्योरेटिकल रेट ला जो हमने चौथे स्टेप में निकाला, अगर ये सेम एक्सपेरिमेंटल रेट ला सेम एज थ्योरेटिकल रेट ला, तो फिर हम अगर ये सेम दोनों रेट ला तो फिर हम कहते हैं मैकेनिज्म इज एक्सेप्टेबल, जो मैकेनिज्म किसी साइंटिस्ट ने दी है इज एक्सेप्टेबल। ये हम पहला स्टेप, किसी भी रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल रेट ला लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट ला के बाद साइंटिस्ट को इनवाइट करते हैं, उस रिएक्शन की मैकेनिज्म दें, उन मैकेनिज्म के ऊपर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं और एक और रेट ला ड्राइव कर लेते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ रेट ला इस रेट ला जैसा हो तो हम कहते हैं ये मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल। लेकिन कभी कभार एक्सपेरिमेंटल रेट ला और थ्योरेटिकल रेट ला सेम होते हैं लेकिन फिर भी वो मैकेनिज्म गलत होती है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम कुछ एडवांस थ्योरी निकाल लेते हैं। ये सारा इसकी समरी थी, आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको बात की समझ आ जाएगी। जरा मैं आप लोगों को ये पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। ये है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन एट देयर रेट ला कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम बैलेंस, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, या होना था कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद क्या करते हैं, देन हाउ टू फाइंड रेट ला ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स हेल्प्स टू टेस्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ रिएक्शन कैरिड आउट टू फाइंड द रेट ला एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, देन मैकेनिज्म ऑफ, पहले यानी एक्सपेरिमेंटल रेट ला निकालते हैं, देन मैकेनिज्म इज प्रपोज्ड और डिजाइंड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, then the expression for the rate of reaction is derived from mechanism by applying steady state approximation on the reaction intermediate. main batata hu reaction intermediate kya hoti hai, to find out their concentration in term of concentration of reactant and product, if rate law derived from the mechanism is same as found experimentally then the mechanism is acceptable, but only the kinetic rectification is not sufficient for the correctness of the mechanism. सिर्फ काइनेटिक के जरिए ये पता कर लेना कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रेट ला एक जैसे हैं सफिशिएंट नहीं है उस मैकेनिज्म की करेक्टनेस के लिए, उसके लिए कुछ एडवांस जो थ्योरीज इस्तेमाल होती हैं लाइक इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड मैस स्पेक्ट्रोमेट्री भी अप्लाई करते हैं। अब ये जो डिस्कशन की है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, इस मैकेनिज्म को हम लोग अप्लाई करेंगे अभी आप देखेंगे, इस मैकेनिज्म को हम लोग अप्लाई करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो आपको ये सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये देखें ये थर्मल डीकम्पोजिशन, आप देखें सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी, ये है जी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जरा मेरी बात जरा गौर से सुने आप लोग, आपको पता है ना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। आपको पता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट। यहां कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो अगर इसको हम लोग लिखें ये क्या बनेगा, ये बनेगा dx/dt इन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k(n)(2)O5)^2, n2O5^2। अब यहां जरा देखें गौर से, अब ये इक्वेशन शो करती है ये रिएक्शन जो है ये सेकेंड ऑर्डर है, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शो करती है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। देखिए ना सेकंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल करने से इसके डीकंपोज होने की स्पीड 4 गुना तेज हो जाएगी। याद रखें ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये बता रही है कि N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल करने से
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन स्पीड 4 गुना तेज हो जाए, ये बता रही है इक्वेशन हमें। इस इक्वेशन से जो हमने रेट लॉ बनाया है, ये हमें बता रहा है कि N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड या इसके डीकम्पोज होने की स्पीड 4 गुना तेज हो जाए। ये तो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो रेट लॉ निकाला है ये बता रहा है। एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं, एक्सपेरिमेंट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये देते हैं वो ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये देखो ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ये लिखा हुआ है। मुझे इसको जरा साइड पर रखना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ये लिखा हुआ है, ये देखिए पावर 1 है यानी फर्स्ट ऑर्डर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगों में आप लोगों, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात जरा सुने। ये जो आप लोगों के पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इस पे जब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला बनता है। ये बताता है कि इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड 4 गुना तेज हो जाएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, यानी इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से डीकम्पोज होने की स्पीड भी डबल होगी। जब एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक लिखा हुआ रेट लॉ एक जैसे ना हो, तो हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लेक्स रिएक्शन है, ये सेकेंडरी रिएक्शन है, ये कंप्लेक्स रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है। लेकिन मेरी बात सुने, अगर एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो रेट लॉ निकला है वो सेम होता जो रेट लॉ हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाला है, तो फिर हम कहते ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप में नहीं होता। यानी अगर यहाँ एक्सपेरिमेंट से भी यहाँ 2 निकलता और इधर वैसे ही 2 है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो हम कहते फिर हम इस रिएक्शन को स्टडी करने की जरूरत ही नहीं थी। हम कहते ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर देयर कोएफिशिएंट, ये रेट लॉ निकाला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, ये बता रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर है, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड 4 गुना तेज हो जाएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट कुछ और ही कह रहे हैं, वो कहते हैं नहीं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमने तो एक्सपेरिमेंट पे यकीन करना है। तो अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकला हुआ रेट एक्सपेरिमेंटल रेट जैसा ना हो, तो हम कहते हैं ये कंप्लेक्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है। फिर हम साइंटिस्ट को इन्वाइट करते हैं कि वो आए और फिर वो मैकेनिज्म दें। पहला स्टेप हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक रेट लॉ का लिखना, दूसरा स्टेप हो गया एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ का लिखना। अगर ये दोनों डिफरेंट हों, हम कहेंगे कि रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो गया। तीसरा है कि हम साइंटिस्ट को इन्वाइट करेंगे कि वो उस रिएक्शन की मैकेनिज्म देंगे। अब ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म साइंटिस्ट ने दी है, इसकी मैकेनिज्म जो साइंटिस्ट ने दी है वो जरा देखें, इसकी मैकेनिज्म जो साइंटिस्ट ने दी है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये मैकेनिज्म जो किसी साइंटिस्ट ने दी, साइंटिस्ट ने ये कहा है आप देखें, साइंटिस्ट ने जो मैकेनिज्म दिया वो किया, उन्होंने कहा है कि पहले स्टेप में N2O5 टूटता है जिससे NO2 और NO3 बनता है, दूसरे स्टेप में NO2 और NO3 मिलकर दोबारा N2O5 बनाते हैं, तीसरे स्टेप में NO2 और NO3 ये मिलके NO, NO2 और O2 बनाते हैं, और चौथे स्टेप में NO मिलके NO और N25 मिलके NO2 बनाते हैं। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, N2O5 है, NO2 है, NO3 है और NO है और O2 है, कौन कौन सी चीजें यहाँ हैं, N2O5, NO2, NO3, NO और O2, ये चीजें मैं ये चीजें यहाँ आप लोगों के सामने लिखना चाहता हूँ। जो जो चीजें हमने अभी तक ये इनकी पहचान की है ना, वो चीजें मैं लिखता हूँ। NO2 था,
NO3 था, NO था, O2 था और N2O5। ये जितने भी स्टेप्स हैं उनमें ये स्पीशीज इन्वॉल्व थी, N2O5। अब इनमें से जरा हमने रेक्टिफिकेशन करनी है, इनमें से देखना है कौन सी वो चीजें हैं जो इस मेन इक्वेशन में मौजूद हैं और कौन सी चीजें हैं जो मेन इक्वेशन में मौजूद नहीं है। N2O5 मौजूद है, ये देखिए NO2 मौजूद है, NO3 मौजूद नहीं है इस इक्वेशन ए में, NO मौजूद नहीं है इस इक्वेशन ए में, O2 मौजूद है। जो चीजें मेन इक्वेशन में मौजूद ना हो उन पे लगाते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। याद रखें जो चीजें मैकेनिज्म लिखते हुए मेन इक्वेशन में ना हो उन पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो अब यहाँ पे इन पे लगाएंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इन सारी मैकेनिज्म वो जरा देखें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं। ये मैं अब खत्म करने लगा हूँ। हमने पहचान कर ली है कि NO और NO2 जो है वो यहाँ नहीं है, इन पे हम लोग लगाएंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। लेकिन इससे पहले हम लोग लिखेंगे नेट रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। यहां देखिए रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, याद रखें डीकम्पोज मीन कंज्यूम होना। अब ऐसे तमाम रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे तमाम रिएक्शन जिनमें N2O5 कंज्यूम हो रहा है उनके साथ प्लस लिखेंगे और जिनमें N2O5 बन रहा है उनके साथ माइनस लिखेंगे। दोबारा बताना चाहिए, क्योंकि यहां लिखा है रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो जिन रिएक्शन में N2O5 डीकम्पोज हो रहा है उनके साथ प्लस लिखेंगे और जिनमें ये बन रहा है, यानी जो कुछ ये लिखा है इसके उल्ट काम हो रहा है, डीकम्पोजिशन उल्ट फॉर्मेशन ही है ना, उनके साथ हम लोग माइनस लिखेंगे, याद रखें। और अगर ऐसे होता नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5, तो जिनमें ये बन रहा होता उनके साथ प्लस लिखते, जहां पर ये डीकम्पोज हो रहा होता उनके साथ माइनस लिखते। अब जरा मैं आप लोगों को दोबारा पिछले पेज पे लेके जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को इसके वो स्टेप्स दिखाता हूँ जिनमें ये बन रहा है। ये स्टेप्स हैं, ये देखिए मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 कहाँ कहाँ डीकम्पोज हो रहा है। यहाँ पे ये डीकम्पोज हो रहा है, इसके साथ हम प्लस लिखेंगे, प्लस K1 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट क्या है? N2O5, रिएक्टेंट से मल्टीप्लाई। और कहां पे डीकम्पोज हो रहा है, और कहां पे ये डीकम्पोज हो रहा है, ये भी यहां भी प्लस लिखेंगे, प्लस K4 इंटू रिएक्टेंट लिखेंगे। रिएक्टेंट क्या क्या है? NO और N2O5, ये रहे। फिर देखें और देखें कहां पे, यहां पे भी कंज्यूमर है, यहां पे प्लस लिखा। अब बन कहां पे रहा है? यहां पे बन रहा है। तो अब ये माइनस लिखेंगे, माइनस रेट कांस्टेंट और साथ रिएक्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें प्रोडक्ट के साथ नहीं, हमेशा रेट कांस्टेंट को रिएक्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्लस की साइन है या माइनस की साइन है ये कैसे लिखते हैं। अगर आज ना रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ डीकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे डीकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे डीकम्पोज हो रहा है, तो उसके साथ प्लस की साइन लिखेंगे और जो भी उनका कोई कॉन्स्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रिएक्टेंट के साथ। हमेशा रेट लिखते हो रिएक्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर बन कहां पर रहा है? यहां पे बन रहा है, तो माइनस की साइन, माइनस K2 इंटू K, इसको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ही करना है। ये हमारे पास रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का एक्सप्रेशन आ गया। ये लिखने का ये तरीका है जो मैंने आप लोगों को भी बताया, ये लिखने का। अब यहां देखें ये सारा लिखे। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कौन कौन सी चीजें हमने देखी थी जो फाइनल इक्वेशन में नहीं थी।
N2O5 तो था, NO2 भी था, NO3 और NO नहीं था, ये दो चीजें मौजूद नहीं थी। इन पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अब बारी आई है कि आपको बताऊं कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होती है। इन चीजों को रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ये चीजें जो ही बनती हैं फौरन टूट जाती हैं, ये चीजें जो ही बनती हैं फौरन से टूट जाती हैं। सबसे पहले एनओ के ऊपर लगाते हैं, सबसे पहले नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे दोबारा यहां देखें, दोबारा जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ। जहां पे अब एनओ जिन रिएक्शन में बन रहा है उनके साथ प्लस लिखेंगे, और जहां पे ये कंज्यूम हो रहा है उसके साथ माइनस लिखेंगे। जहां बन रहा है प्लस, जहां कंज्यूम हो रहा है वहां पे माइनस लिखेंगे। अब दोबारा से मैकेनिज्म में जाएंगे और देखेंगे कि एनओ कहां पे बन रहा है और कहां पे कंज्यूम हो रहा है, ये देखते हैं। यहां पे देखें, अब चूंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ है, जहां पे इसकी फॉर्मेशन हो रही है उनके साथ लिखेंगे प्लस, कहां पे बन रहा है, ये बन रहा है यहां पे, यहां बन रहा है K3 के साथ प्लस लिखेंगे, प्लस K3 इनटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट के साथ। मैंने कहा रेट लिखते हुए रिएक्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, NO2 इनटू NO3, ये एक ही स्टेप में बन रहा है। और यहां पे कंज्यूम हो रहा है, जब कंज्यूम हो रहा हो, चूंकि हमने लिखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का उल्टा कंज्यूम होना, तो माइनस लिखेंगे, माइनस K4, ये जो इसका रेट कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई NO इनटू N2O5, ये। अब यानी इनको देख के लिखा। अब नेक्स्ट पेज की जाते हैं, ये लिखा हुआ था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये लिखा था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ। यहां देखें ये आ गया K3 इनटू दिस इनटू दिस। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो ये चीज जीरो की इक्वल आ जाएगी, इस साइड पे जीरो लिखेंगे, जब इस साइड पे जीरो लिखेंगे तो ये दिस इक्वल टू जीरो आ गया। अब ये माइनस वाले टर्म इधर प्लस हो गई, यहां से आप जो एनओ है उसकी कंसंट्रेशन निकालने, एनओ की कंसंट्रेशन K4 और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड जा पे ये डिवाइड हो जाएंगे, एनओ इसकी इक्वल आ गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, NO2 N2O5, इसमें NO3 फिर आ गया है, इस पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन NO3 पे लगा के उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फिर NO को दोबारा निकालेंगे। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं NO3 पे। अब NO3 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3, अब जिनमें NO3 बन रहा होगा वहां प्लस लिखेंगे, जिनमें कंज्यूम हो रहा होगा माइनस लिखेंगे। NO3 जो है वो हम मैकेनिज्म में जाके देखते हैं कहाँ बन रहा है कहाँ कंज्यूम हो रहा है। देखें जी, पहले स्टेप में बन रहा है, जिसमें बन रहा है वो हम उसमें लिखेंगे प्लस K1 इनटू N2O5, पहले स्टेप में बन रहा है। और आगे देखिए कंज्यूम कहां पे हो रहा है, NO3 यहां दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, यहां भी कंज्यूम हो रहा है और यहां भी कंज्यूम हो रहा है, तो इन दोनों के साथ माइनस लिखेंगे, माइनस K2 इंटू दिस माइनस K3 इंटू दिस, जिन दोनों में कंज्यूम हो रहा है, इन दोनों में कंज्यूम हो रहा है, ये दोनों लिखेंगे, तो इनके साथ माइनस की साइन डाल लेंगे। ये देखें ये लिखा हुआ है K1 into this minus K2 NO2 NO3 minus K3 NO2 के। और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, यहाँ इसको जीरो की इक्वल पुट करें, क्योंकि जो ही बनता है फौरन टूट जाता है। अब माइनस वाली टर्म जो है ये दूसरी साइड पे लेके आए, K1 N2 5, ये बना NO2 NO3, इसमें से कॉमन आ गया, अंदर बच गया K2 प्लस K3, NO2 की कंसंट्रेशन निकालने तो ये बन गया K2 इंटू K3। ये NO3 की ये जो वैल्यू निकाली है इसको NO की कंसंट्रेशन में यहाँ भी पुट करना है, NO3 की जगह पे इस वैल्यू को ये यहाँ पुट की, हमारे पास NO की वैल्यू ये आ गई। अब ये NO3 की वैल्यू, लेट मी टेल यू पीपल,
एनओ थ्री की ये जो वैल्यू निकाल ली है और एनओ एनओ की ये जो वैल्यू निकाल ली है, ये आप लोग पुट कर दें उस इक्वेशन में जो इक्वेशन आप लोगों ने ये लिखी थी, इसके अंदर इस इक्वेशन वन में पुट करें। जब आप लोग इस इक्वेशन वन में इस वैल्यू को पुट करेंगे, इस इक्वेशन वन में एन सिर्फ एन ओ और एन ओ थ्री की जगह पे वैल्यू लिखेंगे, तो बड़ा ही ये एक दफा वैल्यू पुट करेंगे ना और इसको ये खुद ही कैंसिल होता जाएगा, कैंसिल होता जाएगा एंड पे। आप लोग जो आप लोगों के पास एंड पे बनेगा वो बनेगा ये फार्मूला। ये वही फार्मूला है जो एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट ने भी यही फार्मूला दिया था। इसका मतलब है जो मैकेनिज्म किसी साइंटिस्ट ने दी है वो एक्सेप्टेबल है, मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल है। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक रेट ला लिखा, फिर एक्सपेरिमेंटल रेट ला लिखा। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक लिखा हुआ रेट ला एक्सपेरिमेंटल रेट ला जैसा ना हुआ तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है। फिर साइंटिस्ट उसकी मैकेनिज्म देते हैं, हम उन मैकेनिज्म के स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? हम उस मैकेनिज्म में ऐसी चीजें देखते हैं जो मेन इक्वेशन में नहीं होती, उनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। उन रिएक्शन इंटरमीडिएट में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल रेट ला और थ्योरेटिकल रेट ला निकालते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल रेट ला और थ्योरेटिकल रेट ला एक जैसे हो तो हम कहते हैं मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल है, जैसे कि हमने यहाँ के N2O5 की मैकेनिज्म निकाली। अब यही चीज जो है वो हम आगे एक और अप्लाई करते हैं। ये देखिए इस पे, ये आपके पास डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन है। ये इक्वेशन देखिए, ये ओजोन की डीकम्पोजिशन है, इसकी मेन इक्वेशन होगी। अब हम अगर इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो क्या होगा? हमारे पास जो रेट है वो हमारे पास क्या होगा? रेट होगा के इंटू O3 रेज टू पावर 2। इसका मतलब क्या है? ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी O3 की कंसंट्रेशन को डबल करने से ओजोन का टूटना 4 गुना तेज हो जाएगा। ओजोन के टूटने की स्पीड 4 गुना तेज हो जाएगी। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओजोन की कंसंट्रेशन को डबल करने से इसका टूटना भी डबल ही होता है, 4 गुना तेज नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल रेट ला और यहां से रेट ला जो निकालना है, एक्सपेरिमेंटल रेट ला और लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो रेट ला निकालना है, ये एक जैसे नहीं है। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है। और इस रिएक्शन की फिर मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये फुल पेज लगे हुए, ये मैकेनिज्म उसकी प्रोवाइड करते हैं। द प्रपोज मैकेनिज्म इज दिस। अब ये जो प्रपोज मैकेनिज्म आप लोगों के पास आई है, इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वहां इन्वॉल्व है। O3 था और O2 था उनमें, बाकी क्या क्या बना है? बाकी बना है ये ओ फ्री रेडिकल बना है, और तो कुछ नहीं बना, ये ओ फ्री रेडिकल बना है, ओ फ्री रेडिकल ये एक चीज बनी है। अब क्या करेंगे हम? अब नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालेंगे, जैसे पीछे पीछे निकालना है वो हमारे पास ये बना है, ये इक्वेशन 3। अब इंटरमीडिएट क्या है? ये ओ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, तो जहां पे रिएक्शन, तो जहां पे ये बन रहा है वहां पे प्लस का साइन लिखेंगे, और जहां कंज्यूमर है यहाँ भी कंज्यूमर है, यहाँ माइनस, यहाँ भी कंज्यूमर है, यहाँ भी माइनस लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे। और फिर इसको जीरो के ऊपर पुट करेंगे और ओ फ्री रेडिकल की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ओ फ्री रेडिकल की ये वाली वैल्यू जो है उसको आप लोग यहाँ पुट कर दें इस मेन इक्वेशन में, इस जगह पे। जब इस जगह पे ये पुट करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा यहाँ पुट करने से वो आपके पास ये आएगा, बिल्कुल वही आंसर आ गया जो पहले था। इसका मतलब है दिस मैकेनिज्म इज एक्सेप्टेबल, जो मैकेनिज्म दी है वो एक्सेप्टेबल। दो चीजें हो गई। अब एक तीसरी एग्जाम्पल जरा आप लोग देखें, ये देखिए जरा देखिए, ये है एसीटाल्डिहाइड की डीकम्पोजिशन। जरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को तो देखें आप लोग, जरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको देख जरा रेट ला लिखते हैं।
इसको देख के जो रेट ला है वो ये कह रहा है रेट इज इक्वल टू के इनटू ये चीज जो एसिटाल्डिहाइड है रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट यहाँ जरा देखें, इसका कोएफिशिएंट क्या है, वन है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, मतलब ये है इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से इसके टूटने की स्पीड भी डबल हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, नहीं ये फर्स्ट नहीं, ये डेड ऑर्डर रिएक्शन, 3/2 कहते हैं डेड को, ये डेड ऑर्डर रिएक्शन। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक रेट ला और एक्सपेरिमेंटल रेट ला, ये जो निकला ये एक जैसे ना हो तो इसका मतलब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है। इसका मतलब ये इसका जो टूटना है वो एक स्टेप नहीं, एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है। तो इसकी जो मैकेनिज्म किसी ने प्रपोज की, इसकी जो मैकेनिज्म किसी ने प्रपोज किया वो ये स्टेप वन है, स्टेप टू है, स्टेप थ्री है। अब जरा पहचाने यहाँ कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व थी, CH4, CO और ये तीन चीजें। इनके अलावा अगर कुछ यहाँ लिखा हुआ है ना, इनके अलावा क्या लिखा हुआ है, ये वहां नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये चीजें नहीं। इसका मतलब है ये जो चीजें नहीं है ये इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट नेट रेट ऑफ रिएक्शन, ये नेट रेट ऑफ रिएक्शन यहां से जो निकला है वो ये, यानी सी एच नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर। सी एच फोर कहाँ पे बन रहा है, इधर ये बन रहा है, सी एच फोर यहाँ पे बन रहा है ये, तो सी एच फोर बन रहा है, इसका के टू इंटू सी एच थ्री। तो हम सी एच थ्री फ्री रेडिकल की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करते हैं। वो कैसे निकालेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, जहां पे ये बन रहा है वहां पे प्लस, जहां पे टूट रहा है वहां माइनस, ये हमने लगाया है। यहां से मेरे इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू निकाल के हम लोगों ने यहाँ पुट की। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ये हमारे पास वाकई डेड ऑर्डर रिएक्शन है, 3/2 आ गया, ये डेड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो Br2 का, वो आप लोग फुल स्टडी करेंगे और फिर प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।